अस्सलामुअलैकुम। आदाब सलाम करो, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। इधर देख के सलाम नहीं कर रहा, इधर देख के सलाम नहीं कर रहा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सो गाइस, मैंने देखो ना कल गोला खाई थी वहां पे गार्डन में, और मेरे को यहाँ पे जबान पे लगा था। मुझे मालूम ही नहीं है कि मैंने वो बर्फ को इस तरह से खाया था कि मेरे को ये सब लग गया है जबान पे। अंदर जो था ना ऊपर साइड पे, वो भी जल रहा था। पता है मुझे कब पता चला? जब कल रात में मैंने चिकन टिक्का ऑर्डर किया था, वो चिकन टिक्का खा रही थी ना, उसका मसाला जो लग रहा था ना आया है, क्या जलन हो रही थी मेरे को। और ये जल ऐसा करते करते ये सूज गया और ऊपर के छिलके निकल गए अंदर के। गोला खाई तभी पता नहीं चला। निकलने के बाद हाँ, गोले के बाद अपन ने ऐसा कुछ खाया नहीं था कि जिससे मुझे तकलीफ हो। ठीक है। डायरेक्ट, हाँ डायरेक्ट मैंने क्या करी, चिकन टिक्का ऑर्डर कर दी। अब वो खा रही थी तो मसाले से ना जो जलन हो रही थी ना, वो चक्कर में मैंने, जल रहा है ना अभी, वो खाना भी है। सुबह उठ के जाना देखी जरूरी है। अबे वो तो मंगाई, इतना महंगा तो खाऊंगी ना गाई। सुबह उठ के देखी देखो ये कैसा फूल गया है। खैर कोई नहीं, बाहर जाएगा तो ठीक हो जाएगा, वो कैसे लग रहा है। ठीक है। मजा आया था लेकिन, हाँ जल भी रहा हो, तिका तिका वो भी खाना है मुझे। खैर कोई नहीं, उजमा नहाने गई है, उजमा नहा नहा रही है और इन लोग का नाश्ता पानी हो गया। ये लोग मस्त टनाटन खाए हुए हैं, खा के बैठे हुए रेडी है। एक हिसाब से देखा जाए तो लोग नहाएंगे और बस निकलेंगे। हम लोग जा रहे हैं पुणे कमर अली दरवेश की दरगाह पर। ठीक है, कमर अली दरवेश हाँ बाबा की दरगाह पर। ठीक है, मेरा खाना नाश्ता बाकी है क्योंकि मैंने लोग से एक डिमांड की थी, भाई तुम लोग खाओ नहाओ आराम करो, तुम लोग की मर्जी है। मैं आराम से उठूंगी 12 बजे, मेरा नाश्ता लाके रख देना, मुझे खाना है वड़ा पाव। क्योंकि मैंने ये बारी को सोच के आई थी लोनावाला आऊंगी तो यहाँ का वड़ा पाव जरूर खा के जाऊंगी। तो ये लोग का फारीक है, फारीक है ना, डन डन। डन। अभी मेरा वड़ा पाव मैं बताऊँ आप लोगों को क्या रखा हुआ है, ये देखिए ये। ठीक है, अभी मैं मुंह धो के आई हूँ, ब्रश करके आई हूँ, चाय भी नहीं पीऊँ, तो सबसे पहले मैं पीऊंगी चाय और ये बाद में खाऊंगी अगर मुझे वक्त और मिला दिन बाद तो। के बाद तो अगर वक्त मिला तो खाऊंगी, नहीं तो फिर कार में ही खाऊंगी। ठीक ठीक है, क्योंकि मेरे को था आराम करने को चाहिए था गई, तो मैंने आराम किया सच में। तो ऐसा बाकी क्या टेंशन नहीं होता अपना, क्या मैं तो कहीं पे भी खा लू। बच्चों का मेन क्या होता है, खाना जरूरी। क्या सोच रहा है? अच्छा आजम खड़े हो जाओ बेटा। ओ बाबू देखो आगे भी सेल की बाट लगा डाली। बाबू आजम खड़े हो जाओ, उजमा के लिए कपड़े निकालने का है। देखो धोने के कपड़े अभी है, मेरे को इसमें डालने का। जाने के पहले बहुत काम करना पड़ता है गाइस, होटल में भी बहुत काम करना पड़ता है, ऐसा रात को नहीं। आधी पैकिंग करना पड़ेगा, अपने रात को आधी पैकिंग करना पड़ेगा आधी के रात को ही पूरी पैकिंग करना और पड़ेगा, दिन क्योंकि भर सुबह में खाना। जल्दी उठना है। और कल के दिन बच्ची को स्विमिंग पूल चेकआउट से पहले करवा लेना। इंशाल्लाह वो जल्दी उठेगी तो अरे तो स्विमिंग पूल का नाम लेंगे तो उठ जाएगी। देखते, कोशिश करूंगा उठाने की, उठी तो लेके आठ जाऊंगा बजे पानी का। 8 बजे उठ जाना तुम लोग। ठीक है, तो ऐसा तो गाई जो इसके अंदर मेरे सारे कपड़े डाल दो डेली। हाँ कभी होटल से निकलो ना तो सबसे पहले आपको ना अपना काम करके जाना पड़ता है, क्योंकि सर्विस वाला आता है रूम सर्विस के लिए, तो अपना सामान खुद पहले सेट कर लो। क्या रे टक्की, मैं चाय पी के काम करती हूँ। चाय का ढक्कन खुला था, टाइट नहीं था। थोड़ी चाहिए थोड़ी सी लो। गाइस देखो, हाँ उजमा के बाल बना रहे हैं उसके अब्बा। आदम को कितनी तकलीफ होती है जब उजमा का कुछ भी करेगा ना उसके अब्बा। ए गुस्सा कर ऐसा है ना आजम का, आजम के पास ही रहे बस उसके अब्बा से। छोड़ दो छोड़ दो। क्या हुआ चुच्चू आई? क्या हुआ माँ? छोड़ दे छोड़ दे। ऐसे नहीं करते पापा, अप्पी भी तो अप्पी है ना। करना अरे ए नहीं भाई दिखा
जान दो बाबा मेरे बेटे को प्यार कर लो तुम, जान दो मैं मेरी बेटी का कर लूंगी, है ना जो उजमा का नहा के हो गया है, उसमें मैचिंग मैचिंग लॉलीपॉप खा रही है, और आजम भी नहा के आ गया, दिखाओ क्या आप लोगों को, दिखाओ क्या, ये देखो ब्लर कर दूंगी मैं, बैठा देखो ना कैसे बादशाह देखो तो क्या सोच रहा वो वालेकुम अस्सलाम। अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, तब तक कि उसके अब्बा उसको रेडी कर देंगे। वालेकुम अस्सलाम, पहली बार मेरा बच्चा इतना नंगू भी दिखाना बाबू। नाड़ी निकाल दिया पैंट में से, सो जाओ सो जाओ सो जाओ, ये मेरे चांचा रोशन बेटा, चल चल जा इतना उचे क्या कर रहा है, आई आई आई, ओलो बाबू खोलो कैटल खोलो, ओ बाबू कैटल खोलो, गिराना नहीं है बेड पे, इस बार सही से खुले तब क्या कर रहे थे तुम, और बोलते क्या भाई टाइट हो रहा है, बोले खुल रहा नहीं खुल रहा नहीं, बोले उल्टा कर रहे हैं तो क्योंकि लेफ्ट हैंड से भी तुम ऐसे ही घुमा रहे थे, मेरे को लगा अभी भी उल्टा ही घुमाएंगे करके। खेमड़ी नहीं खेमड़ी खेमड़ी, चल बस चल 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 उठाओ, चलो उसको आजम को तुम उठाओ, मैं फोन उठा बैग उठा रही, बेचारी की नींद खराब करके लेके जा रहे, इतना अच्छे से सो रहा है वो एसी में, चलो गाइस थोड़ा लंबा सफर है, पुणे जाके वापस आना है, पुणे हाँ दरगाह 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 पुणे में ना, तो ऐसा आमीन आमीन। सो गाइस यहाँ से जहाँ पे हम लोग अभी है लोनावला, एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं ना दरगाह, उसका भी टाइमिंग डेस्टिनेशन उतना ही टाइमिंग लगता है जितना अपने घर को जाने के लिए लगेगा, है ना बाबू, एकदम मतलब लोनावला अपन एकदम बीच में पड़ता है, तो अभी मैंने बाबू को बोली ना बाबू उतना ही टाइम लगने वाला है जितना अपने को अभी मुंबई जाने को मुंबई जाने को लगेगा, तो बोलते हाँ उतना ही चलाना पड़ेगा गाड़ी, पहले कर लेंगे तुम, उनको वही हो गया सेम दिन पे जाने का सेम दिन पे आने का, इससे पहले भी जाके आ चुके अपन, बस खाली देखे अपन आज के सेम किलोमीटर है बाबू, पहली बार देखे ना अपन सेम किलोमीटर है करके, नोटिस पहली बार की है, बट मेरे हिसाब से मुंबई से आने के लिए ज्यादा टाइम लगता है, किलोमीटर सेम होने के बावजूद भी पुणे जल्दी पहुंचते है, खाली रहता है ना इसके लिए, हाँ घूमते तो ऐसा पहली बार हम लोग ने ये चीज को नोटिस किया है, चलो अल्लाह हिफाजत से लेके जाओ, हिफाजत से लेके अल्लाह भरोसे, है ना बाबू, ऐसे बट कुछ भी बोलो पुणे लोनावला से पुणे जाने का रास्ता जो है ना बहुत खूबसूरत होता है, और हमारी गाड़ी की सीएनजी खत्म हो चुकी है, कल खत्म हुई ना,
कल सीएनजी खत्म हो चुकी है और यहाँ पे ना नजदीक कहीं भी सीएनजी नहीं मिलता है, बहुत दूर दूर सीएनजी मिलता है, 15-15, 25-25 किलोमीटर दूर सीएनजी मिलता है। वो तो शुक्र है हम लोग मुंबई से निकलने के टाइम पे ही पूरी पेट्रोल फुल करा दिए थे, सीएनजी भी फुल कराए थे। इन बोल भी रहे थे कि पेट्रोल इतना क्यों भर रही है, याद है बाबू? मैंने तो बाबा पूरा फुल कराया था गाड़ी में, 3,500-4,000 रुपए का कुछ पेट्रोल भरा, पेट्रोल और सीएनजी खत्म हो गया। तो मेरे को मालूम था क्योंकि एक बार ना ऑटो से हम लोग गए थे दरगाह पुणे, वो रिक्शा वाले की सीएनजी उसके भी सीएनजी थी ना रिक्शा वाले की, कितना परेशान हो रहा था बेचारी की गाड़ी ऐसे डप डुप कर रही थी। हाँ उसने ना पेट्रोल बॉटल में लेके रखा था कि आगे प्रॉब्लम ना आए बोल के, तो इस वो चीज मुझे याद थी, बल्कि मैंने अपनी सेफ्टी पहले से अल्हम्दुलिल्लाह करके रखी कि पेट्रोल तुम्हें गाड़ी में फुल करा लेना बोल के। अभी वही किसी से पूछा सीएनजी कहाँ मिलेगा तो उन्होंने बताया अभी आगे है, आगे बोलो तो यही नजदीक नहीं बहुत दूर है। वो क्योंकि हम लोग को मालूम था हम लोग लोनावला आएंगे तो डेफिनेटली हम लोग को जाने का है दरगाह, इंशाल्लाह हम लोग ने पहले से इरादा बना के आए थे क्योंकि इसके आने के बाद मुझे जाना ही था। ए चौकी ए चौकी, इससे ज्यादा अभी तक की नहीं गई हूँ मैं। गाइस अभी ये नहीं बोलना शिर्क करते तुम लोग दरगाह जाते ये करते, देखो सबका अपना अपना मानना होता है। आप हम लोग मांगते अल्लाह से ही है, उसके सिवा कोई बात नहीं है देने वाला, बस खाली वसीला होता है ना ये वलियों का लगता है, इन लोगों का लगता है समझे, तो आप अपना तरफ से ही हम अपनी तरफ से ही है ना बाबू, जिसकी जैसी सोच तो ऐसा। अरे आज एटकी गाइस कल हम लोग यहाँ भटक गए थे डायनासोर पार्क की तरफ पे आए थे, हम लोग यहाँ पे भटक गए थे, क्यों भटके थे बताऊ? ये देखो पीछे काम चल रहा है और एक की जगह 3-5-4 कितने पता नहीं कितने सारे रोड बन रहे हैं ना बाबू तो यूटर्न मारने की जगह नहीं थी, यू टर्न मारने की जगह नहीं थी, पता नहीं कहाँ कहाँ घुस गए थे हम लोग। इतना मैं डर गई थी ना गाइस कि हम लोग भटक गए अभी कैसे क्या, मतलब डर लगता है दूसरे इलाकों में जाना और फिर भटक जाना ना, मेरे को डर मेरे को लगता है बाबा, मैं ना खुद के लिए नहीं डरती, मैं बच्चों के खातिर डर जाती, बच्चे है साथ में, वरना तुमको भी पता है नाजिया तुम्हारे साथ अकेले अगर निकलती है तो फिर बाइक चलाने से भी नहीं डरती, याद है कि नहीं? फिर गाइस मैं बाइक राइड करने से भी नहीं डरती जब अगर बच्चे नहीं होते साथ में, तो वो बात अलग है कि मुझे हैंडल करना नहीं आता है लेकिन राइडिंग अच्छी कर लेती है ना बाबू मुझे ना क्या तभी मैं सीख रही थी बेटा, इसके लिए ठोक दी थी मैंने कार, ठोक दी थी। हाँ अभी तो कार चलाना भी भूल गई, बाइक चलाना भी भूल गई मैं, तो ऐसा है गाइस। नजारे देखना, मुझे ये सब देखने बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरा हाथ ढील रहा है गाइस क्योंकि मैं एक हाथ से ना आजम को पकड़ी भी रहती हूँ और एक हाथ से शूट करती हूँ, छोड़ दो। ये देखो मैं ऐसे आजम को पकड़ती हूँ एक हाथ से और एक हाथ से मैं शूट करती हूँ, इसलिए थोड़ा कैमरा हिलता है, समझे आप लोग? मैं शूट कर सकती हूँ। नहीं बेटा चलेगा कोई बात नहीं, तेरे हाथ से भी हिलता है कैमरा। आजम इधर देखो, आजू ए कैमरा में देखो, आजू उधर 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 देखो। तो फाइनली गाइज हम लोग को पेट्रोल पंप मिल गया है जहाँ पे सीएनजी है, तो आपके भाईजान सीएनजी भरा रहे आजम बैठ, और आजम ने पूरा पानी गिराया कार में और उस पर बैठ गया, तो ऐसा लग रहा है उसने बेचारे ने सुसु किया, ऐसा कुछ भी नहीं है पर हम लोग यहाँ बैठे। मैंने ना एक राइस प्लेट का ऑर्डर दिया है उपमा के लिए, उसमें आएगा दाल, मैं पूरा नहीं खाऊंगी, हाँ देखते ना थोड़ा ही इसके लिए, इसलिए क्योंकि अभी आपके भाईजान आएंगे, अगर उनको ऐसा लगेगा कि यहाँ पेट भर के खाना खाने के लिए अपने को भी रुकना चाहिए तो खाएंगे, नहीं तो बस बच्चे का पेट भर जाए ना पहले तो वही, बाद में अपन क्या बड़े लोग कहीं पे भी रुक के कुछ भी खा सकते, उसका खाने का टाइम हो गया। थैंक यू। दाल रोटी भाजी चावल गाइस कितना अच्छा है ना, 80 रुपये में, और क्या चाहिए 80 रुपये, ओनली 80 रुपीज, सस्ते में सस्ता अच्छा खाना, हाथ धो के आ जा। सो गाइस एक प्लेट में ना 3 रोटी आती है, 2 रोटी नहीं आती है, देखो इतनी क्वांटिटी 80 रुपए में, देखो सबसे इतना सस्ता खाना उज्मा, चल खा चमचा मंगाई हूँ मैंने, रोटी तो खा, मैं खिला के दिखाओ इतने वाला आलू से।
आजम इधर मुंह दिखाओ। गाइस आजम गिर गया था चेयर पे से, तो मेरा मूड खराब हो गया था, तो मैंने ना व्लॉग ही कंटिन्यू नहीं किया। अब उसका मूड अच्छा है, खेल रहा है वो। अभी मूड अच्छा हो गया। हमने आज चलती है। आदम इधर देखो, इधर देखो, सर पे लगे लगेगा इसको। इधर देखो, इधर देखो, सलाम करो। देखे गाइस टेंगुला, देखे टेंगुला, इधर देखो आजम का मुंह, देखो आजम का, ये देखो। अच्छा, तेरे पैन कार्ड दे मेरे को। क्या पैन कार्ड कहाँ से दूँ? फोटो दे मेरे को। देखो आज शूट कर, उसमें भाई को आज शूट कर। करो। करो। कैमरा ही छीन मुंह दिखा, नजदीक से उसका टेंगुला दिखा। तो गाइस आपके भाई जन यहाँ पे फास्ट टैग करवा रहे, फास्ट टैग। कैसा है, अभी पुणे भी जाना है, पुणे से आना है, तो बीच में बहुत पैसे जाने वाले। कौन जा रहे हैं? बड़बड़ कर, क्या 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 बोल रहे? बोलो क्या बोल रहे? बोलो। मैंने फाइनली पहुंचने वाला है, हमारा बहुत परीक्षा किया, यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत से मुसीबतों का सामना झेल के हम यहाँ पहुंचे हैं। मेरा आजम गिरा ना, मेरे को वहाँ अच्छा नहीं लगा सही में, वो तो अच्छा ज्यादा कुछ लगा नहीं उसको। गाइस हम लोग ने गाड़ी वहीं लगाई जहाँ पे हम लोग ने लास्ट टाइम हमारी लाल गाड़ी लगाए थे, पहली बार जब वो लिए थे ना, तो हम लोग यहाँ पे आए थे गाड़ी को लेके। हेलो हेलो, मेरे दोनों बच्चे सो गए। हाँ सर, मैं सो गाइस हम लोग घर से निकले थे 2:30 बजे और यहाँ पहुंचे अभी हम लोग 6:17 को, यानी पूरे देखा जाए तो 4 घंटे होने आए। एक्चुअली उसके अंदर है ना 1.5 घंटा वो फास्टैग का भी लग गया। हाँ, पक्का हो गया, पक्का हो गया। हाँ इसमें है ना ऑलरेडी। काम करो, आजम को मुझे दो। हाँ। मैं लेके बैठती हूँ, तुम वजू करके आओ, फ्रेश हो के आओ। ठीक है, फिर बाद में देखते हैं क्या। पीछे तेरे क्या बोलती है? आजम को भी लेके जाओ अंदर, आजम को भी अंदर लेके जाने का। हाँ तो पहले चादर करते हैं आराम से। चलो बैठो। मैंने आज काजल लगाई थी, तुमने ध्यान दिया? नहीं पता चलेगा काजल लगाएगी तो। मैंने भी लगाया काजल। आज मर गया।
आज मुड़ गया। सलाम वालेकुम अस्सलाम। कहाँ है अब्बा? कहाँ है अब्बा? सो गाइस देखो यहाँ पे अपने को मिली है यूट्यूब की फैमिली अपनी। ये अपने सब्सक्राइबर है, इनका नाम इकरा है। ये भी मुंबई से है, मैं भी मुंबई से, लेकिन मुंबई में मुलाकात नहीं हुई, मुलाकात यहाँ पे हुई बाबा के दरबार। कैसा लगा आपको मेरे से? बहुत अच्छा। मैं आपको देख एकदम सरप्राइज हो गई। हाँ थैंक यू सो मच। तो क्या बोलने का लोगों को? बस आप चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इधर देख, अपन जाके ना पापड़ लेके आते। पापड़ इन लोगों को बैठने दे यहाँ पे, ठीक है? आजम घूम रहा है मस्त। हाँ कुछ खाएगा ना बच्चा बैठे बैठे यहाँ पे, है ना? आ रही हूँ, चला। वो दिख रहा है राइस पापड़ दिख रहा है नीचे? या नहीं वो देख, आंटी बैठे लेना वो सामने दिखा। कितने का एक पापड़? दो दोनों कितने बड़े बड़े हैं। पकड़ ले जा। चल चल अब्बा कहाँ है? अब्बा यहाँ है। क्या क्या जिम कर रहे हैं यहाँ पे तुम? ये देखो लेके उसने, बैठ जाओ उसको, यहाँ बैठ जाओ। हाँ ये देखो गिराएगी नियाज, नियाज इसमें डालो जरा थैली में। कितने है भाई पापड़? 10 रुपए का। अरे 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 गया, जमीन में फेंक दिया उसने। देखो बाबू वही खाने का अपने को। कैसा उसमें? इधर खड़े रहे, मैं इधर खड़े रहे ऐसे। उसमें मुंह दिखा तेरा, मुंह दिखा। फोन फेंकता है गाइस, बहुत गंदी तरीके से, खुद भी गिरा था गंदी तरीके से, जबरदस्ती। ये देखो हंस रहा, देखो कैसा, मना करने के बाद भी करता है। अभी वो ढक्कन मुंह में डाल लेगा। खाना नहीं है आजम? फेंक दो उसको, फेंक दो, फेंक दो, फेंक दो उसको, फेंक दो। पत्थर उठा रहे हैं उंगली से, पत्थर उठा रहे हैं। बेटा थोड़ा हाथ लगा दो। उठा ना, लेकिन कैप्चर नहीं हुआ। क्या बोली उसमें? क्या बोली? अकेले एक उंगली से कैसे उठेगा बेटा? सब लोग ने एक एक उंगली लगाए, लेकिन वो ताकत बनी ना, अकेले के एक उंगली से कैसे उठेगा? बहुत बोलते हैं। ये देख, ये देख, बहुत
बोलते थे ना, ये देख ये देखो बोबड़ी बोबड़ी बोल रही है। उज्मा नियाज ले, उज्मा ओए नियाज ले। जेब में भी डाल सकते हो फोन वो। मोबाइल पे बताते हो? हाँ मैं वही हूँ, हाँ वही हूँ। मुंबई तेरे आपा तो भाग गए। भाई भाई रुको ना, भाई 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 रुको ना, आ रहे मेरे अपने आ रहे। जाओ बाबू जाओ ना, तुम तो पीछे ही रहते हैं। हमें हट जाओ हट जाओ, अरे गिरी उसे। कैसे एक्सपीरियंस? अच्छा उठा ना। कैसे एक्सपीरियंस था? अच्छा एक्सपीरियंस था। वजन था? मैं सब था, तूने से नहीं पता चलता है ना। मालूम चलो उसमें आ जा। दीदी आप यही है ना, मैं आपके देखती है। हाँ ये मैं ही हूँ। ये भाई मैं वो नहीं है, इसमें कैसे देख रही मैं? रुक जाओ मैं आपके ग्लव देखती हूँ। लगाओ लगाओ, मैं मेरे व्यूअर को बताओ कि हाँ मैं वही हूँ। लू व्लॉग में लू तुमको? नहीं ना, लाओ बताओ तुम क्या दिखा रहे थे। देखो ये मेरे को मेरे व्लॉग खोल के बता रहे हैं कि तुम यही है ना। ऐड पूरा देखने का। हाँ थैंक यू सो मच। लोना वाला है ना, अच्छी बात है, उससे हमारी रोजी रोटी चलती है। हाँ ये मेरा ही ब्लॉग है, बराबर मेरा ब्लॉग ही देख रहे थे मतलब ये। हाँ थैंक यू सो मच। आमीन आमीन आमीन, दुआ में याद रखना। हाँ ठीक है चलो। अच्छा थैंक यू, क्या नाम है आपका? समीना। ओके थैंक यू समीना जी। हेलो बाबू पकड़ो आजम को, चलो जो এলে শুট করতে হচ্ছে সেল। चलो अभी हम लोग यहाँ से ना निकल रहे हैं, इंशाल्लाह आएंगे जल्दी ही वापस, है ना बाबू? इंशाल्लाह वापस आएंगे। और उज्मा को ये पत्थर उठाना है, जबकि यहाँ पे अकेले पत्थर उठाना मना है, यहाँ पे लिखा हुआ है देख सकते हैं आप। एक मानसा ने दगड़ उधर मराठी नीचे अकेले आदमी को। तुम क्या हंस रहे ले? तुम क्यों हंस रहे था? एक मानसा ने दगड़ उछलना मनाई है, अकेले आदमी ने पत्थर उठाना मना है। और देखो वो बच्चा उठा रहा है। शूट नॉट कम इनसाइड। चलो आ जाओ। चलो क्या, चलो जा जा। तो गाइस बस अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। रुको 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 रुको, मैं फोटो खींच। चलो वाह वाह, ग्रीन ग्रीन क्या है वो देखने का।
भाई इसका कलर ग्रीन क्यों है? खोपरे वाला कलर डाले और क्या? नहीं अच्छा खोबरे का बाबू अच्छा खोबरे का खोबरे हरा थोड़ी होता है लेकिन लेकिन कलर है ठीक है उससे पता चलता है ना कौन सा अलग अलग फ्लेवर है करके मैंने नया देखा वो क्योंकि पीड़ा मैं